चैनल। तो गाइस आज 21 जून है और दोस्तों आज जितने भी योगी से सभी घर तो बैठे नहीं रह सकते। अभी दोस्तों हमारे गुवाहाटी प्रेस क्लब में आज पूर्वांचल महिला योग फाउंडेशन की तरफ से आज इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। तो गाइस देखिए फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, अभी मैं निकल रही हूँ। सभी शायद पहुंच गए हैं, 2 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। अभी दोस्तों 2:30 बज गया है तो चलिए अभी मैं निकलती हूँ। तो गाइस देखिए मैं पहुंच गई हूँ प्रेस क्लब के, अभी अंदर प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है। रेडी हो गया है ना? रेडी। प्रदीप प्रज्वलन होगा, ये प्राइज दोस्तों मिलेगा विनर्स को। और यहाँ पर देखिए गमछा, ऐसा मीन्स गमछा, ये सब जो गेस्ट आएंगे उनको दिया जाएगा। प्रोग्राम बहुत ही सुंदर होने वाली है दोस्तों। प्रजापति ब्रह्म कुमारी से आए हैं तो अभी प्रदीप प्रज्वलन करेंगे हमारे प्रोग्राम के। तो गाइस कोई भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले प्रदीप जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो देखिए अभी प्रदीप प्रज्वलन प्रोग्राम शुरू हो रही है, तो प्रदीप जला रही है। जितने रेस्पेक्टेड जो गेस्ट आए हैं तो आप देख रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी से आई है। दोस्तों आज हम पूर्वांचल महिला योग फाउंडेशन आमारी महिला ग्रुप से आज हम 9th इंटरनेशनल योगा डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो गाइस आज की वीडियो की स्पेशलिटी है, आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा ये मेनोपोज कब स्टार्ट होती है और मेनोपोज होने के बाद क्या प्रॉब्लम्स होती है और इन प्रॉब्लम्स को कैसे हम समाधान कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में जो ब्रेस्ट कैंसर होती है उनसे भी हम कैसे हम प्रिवेंट हो सकते हैं, तो इस वीडियो में सब कुछ आपको पता चल जाएगा। देखिए अभी सूर्य नमस्कार का डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। ये हमारी पूर्वांचल महिला योग फाउंडेशन की मेंबर्स सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। 63 है उनका एज दोस्तों। अभी वो सर्वांगासन करेगी और भी बहुत कुछ आसन करके दिखाएगी, तो चलिए देखते हैं। जैसे हम 40 के करीब आ गए, 40+ 50+ होते, हमें हमारे अंदर एक फैक्टर इरिटेशन, वो हमें बहुत ज्यादा होते हैं, हर छोटी चीज से होते हैं, वो हमारा शुरुआत होता है मेनोपॉज का। अब मेनोपॉज क्या है उसमें 2 शब्द में बोलूंगी कि जब आपका मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है या फिर जब आपका पीरियड्स हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं वो जब बंद हो जाता है उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज फटाक से बंद नहीं होते, मेनोपॉज के भी कुछ स्टेजेस हैं। और चीज़ जो कॉमन होते हैं वो है ब्रेस्ट कैंसर। आप बहुत लोगों को देखोगे आजकल जो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से सफर कर रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर मतलब क्या होते हैं, यहाँ पे हमारा जो ब्रेस्ट के अंदर हमारा मोस्टली लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट होता है। पूरा बॉडी हमारा ब्लड से चलता है पर हमारा जो ब्रेस्ट है वो मसल्स एंड लिम्स से बनता है। तो आपका ब्लड सर्कुलेशन करना इज़ वेरी ईजी। आप थोड़ा हिलोगे, थोड़ा एक्सरसाइज करोगे, थोड़ा ब्रीदिंग करोगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। पर जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसको सर्कुलेशन करवाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके जब इससे ब्रेस्ट कैंसर इज जब होते हैं तो आपको यू कैन कट ऑफ द ब्रेस्ट। क्यों? बिकॉज जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो पूरा टॉक्सिन से भर जाता है। तो हम कैसे प्रिवेंट करें लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फेटिक ड्रेनेज हम कैसे करें? पहला चीज़ होता है ताकि टॉक्सिन एक्यूमुलेट ना हो आपके बॉडी में, आपको चीज़ों को मूव करना जरूरी है। सिमिलरली ओबेसिटी, अगर आप मूव नहीं करोगे आपको आपको जो फैट होता है वो बैठा रहेगा एक जगह पे। सिमिलरली आपका लिम्फ अगर आप मूव नहीं कराओगे एक जगह से दूसरी जगह, आपका लिम्फ बैठा रहेगा एक ही जगह पे। तो लिम्फ कैसे मूव करवाओगे? लिम्फ मूव करने के एक ही तरीके, दैट इज लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज। जो मसाज होते हैं हमारे में, हमारे बॉडी में कुछ ही लिम्फ नोड्स होते हैं। एक होता है सर्वाइकल, एक होता है सब मैंडिबुलर, आपके एक्सिला में होता है। तो हमारा जो बैक मसाज है योगा में, जो हम मसाज के ऊपर पढ़ते हैं, जो बैक मसाज है हमारा, वो हमें लिम्फ को मूवमेंट करने में हेल्पफुल करता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। बालासन, विपरीत करनी, उष्ट्रासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, गोमुखासन, धनुरासन और आप सबने सुना ही होगा शक्ति चालिनी मुद्रा, ये कुछ आसनास आपको करना बहुत जरूरी है अगर आप लोग पोस्ट मेनोपॉज के जो सिम्टम्स है उससे अगर आपको राहत चाहिए। थैंक यू, नमस्ते। योगा दीदी बहुत अच्छी बात हो।
थोड़ी बड़ी है बट बहुत प्यार करती है छोटी बहन की तरह, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा दोस्तों। आज हम सब गेट टुगेदर की तरह सभी मिल गए हैं, वैसे तो सब मिलना नहीं होता बट आज हम सब मिले हैं गेट टुगेदर की तरह। वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बहुत प्यारी तो है ये और बहुत परिश्रम करती है दोस्तों, बहुत कभी रेस्ट नहीं करती, हर वक्त काम करती रहती है, तो मैम की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है, एकदम बड़ा बड़ा काम पॉसिबल हो रहा है। थैंक यू सो मच आपके इतना सुंदर एक प्रोग्राम करने के लिए। क्लास में खा रही हूँ और बहुत कुछ आइटम मुझे कम भी मिला है, सिर्फ मुझे सूजी थोड़ा हलवा वगैरह मिला है, सबने पेट भर भर के खा रहे हैं और हमको तो नहीं मिला, क्लास में थोड़ा मिला वही खा रहे हैं। 13 इयर्स से मैं योगा कर रही हूँ। अच्छा, जब उनके इयर्स 13 था तब से वो ये योगा करिए, बहुत अच्छे, इसीलिए दोस्तों अभी भी कितना सुंदर है आप, मेंटली भी सुंदर है, देखने भी सुंदर है, सब तरह के सुंदर है दोस्तों। थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। मेरे साथ है हमारी पूर्वांचल महिला जो फाउंडेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट शिक्षा मैम जी की बेटी है, तो आपने सुना बहुत अच्छे से उन्होंने लेक्चर दिया कि लड़कियों के महिलाओं के मेनोपॉज होने के बाद कितना प्रॉब्लम्स आती है, तो प्रॉब्लम्स को समाधान करने के लिए बहुत सी उपाय बताई है आज की उनकी जो लेक्चर, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। अरुंधति तुमने इतना अच्छे से तुमको बोला कि महिलाओं को योगा करना क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, बहुत कम उम्र से ही अगर करेंगे ना तो पूरा लाइफ स्वस्थ रहेंगे, सुंदर रहेंगे, योग करें स्वस्थ रहिए। तो गाइस देखिए मेरे सब्सक्राइबर हैं तो सभी बहुत खुश हैं, बहुत दिनों के बाद मिले हैं, प्रियंका दीदी में तो आज बहुत अच्छा लगा दोस्तों आज की प्रोग्राम है, तो फिलहाल मैं अभी जा रही हूँ। तो गाइस देखिए मैं अभी घर जा रही हूँ, ये मेरा ड्राइवर आ गए हैं। देखिए मैं फाइनली घर पहुँच गई हूँ, अभी बेटा ट्यूशन पे जाएगा, कल उसका एग्जाम है तो इसलिए मैं उसको ट्यूशन भेज रही हूँ। दुनिया के जिस कोने में भी मैं जाऊँ, जहाँ पर भी जाऊँ, जो भी मुझे खुशियाँ मिले ना दोस्तों, यहीं पर आकर दोस्तों मुझे सभी खुशियाँ मिलती है, मुझे शांति मिलती है, सब आनंद दोस्तों मुझे भगवान के सामने पूजा देकर दोस्तों यहाँ पर मिलता है, और मुझे लगता है दोस्तों यही मेरा सही जगह है। तो गाइस आज की वीडियो मैं ही पर स्टॉप कर रही हूँ, मैंने वीडियो थोड़ा बहुत एडिट कर लिया है, बस और थोड़ा एडिट करना है और मुझे वीडियो पोस्ट करना है। तो आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कॉमेंट कीजिएगा, तो आपसे मुलाकात हो रही और एक नया फ्रेश वीडियो या ब्लॉग के साथ। अगर आपको ये वीडियो या ब्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मुलाकात हो रही आपसे और एक नया फ्रेश वीडियो या ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।